हरियाणा पंचायत चुनाव, लोकसभा और विधानसभा चुनाव को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। देखिए पूरी खबर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको पता चल सके कि क्या कारण रहा है अनिश्चित काल के लिए चुनाव स्थगित करने का। और ये तीनों ही चुनाव स्थगित कर दिए गए हैं, अभी पंचायत चुनाव और इसके अलावा विधायक का और लोकसभा के, तीनों चुनाव को फिलहाल के लिए अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। और ये नई खबर निकल कर आज सामने आ रही है, तो ऐसी ही नई अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक और दूसरों के साथ शेयर जरूर कीजिए। चुनाव आयोग ने कालका सीट बताई रिक्त, कानूनी सलाह में अटकी प्रदीप चौधरी की सदस्यता बहाली। अभी ये जो दो सीटें हैं जो उपचुनाव होने हैं, ये इनके कारण भी पंचायत चुनाव बहुत लेट हो जाएंगे, क्योंकि सरकार ने अभी थोड़े दिन पहले ही निश्चित किया था और थोड़े दिन पहले ही बताया था कि जब उपचुनाव हो जाएंगे, जो दो सीटें खाली हैं हरियाणा में, उनके उपचुनाव होने के बाद ही हरियाणा पंचायत चुनाव किए जाएंगे। तो ये उपचुनाव को भी अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि हरियाणा पंचायत चुनाव भी अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिए गए हैं। और इसके लिए थोड़े दिन पहले भी न्यूज़पेपर में आया था कि फिलहाल पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव टालने की सिफारिश कर रही है सरकार। चुनाव आयोग अभी जारी नहीं करेगा चुनाव का कार्यक्रम, क्योंकि पहले आंदोलन, किसान आंदोलन की वजह से चुनाव नहीं हो पाए। बहुत लंबा चल रहा है किसान आंदोलन, नवंबर में शुरू हुआ था और अभी तक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। इतना ज्यादा कोरोना बढ़ने के बावजूद भी ये किसान आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, और अब महामारी की वजह से, किसान आंदोलन और महामारी दोनों की वजह से ही चुनाव में बहुत लेट हो जाएंगे। अब इसके अलावा जो विधानसभा के जो चुनाव हैं, दो जो उपचुनाव होने हैं कालका और एलनाबाद में, उनके उपचुनाव को अभी फिलहाल के लिए टाल दिया गया है और वो उपचुनाव टलने के साथ साथ ही पंचायत चुनाव भी टल गए हैं। निर्वाचन आयोग ने देश में कोविड 19 के मौजूदा हालत को देखते हुए लोकसभा की तीन और हरियाणा की कालका और एलनाबाद विधानसभा की दो सीटों समेत देश के आठ सीटों पर होने वाले उपचुनाव को टालने का फैसला लिया है। आयोग ने कहा कि लोकसभा की तीन सीटों दादरा नगर हवेली खंडवा मध्य प्रदेश में है जो, और मंडी हिमाचल प्रदेश में, ये रिक्त हैं। और इसके साथ साथ विधानसभा की वल्लभ नगर राजस्थान में, सिंगड़ी कर्नाटका में, राजबाला और मावरिन क्वेन ये मेघालय में है, फतेहपुर हिमाचल प्रदेश में है और बड़वेल आंध्र प्रदेश में है, ये सीटें अभी खाली है विधानसभा की भी। और इसके अलावा हरियाणा की भी दो सीटें हैं कालका और एलनाबाद, इनके उपचुनाव अभी हो जाने चाहिए थे पर कोरोना की वजह से ये उपचुनाव भी नहीं हो पा रहे हैं। और इसके कारण अभी एक नया मोड़ भी उपचुनाव के अंदर निकल कर सामने आया है कि जो एक सीट किस लिए खाली हुई थी, दोनों सीटें खाली हुई हैं और दोनों सीटों में से क्या कारण है इन सीटों के खाली होने के, ये देखिए। हरियाणा में जो दो सीटें खाली हुई हैं विधानसभा की, उनके खाली होने के क्या कारण हैं ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और देखिए कि जो दो सीटें खाली हुई हैं उनमें से जो एक सीट है उसके ऊपर है जो विधायक थे वो थे प्रदीप चौधरी, और चुनाव आयोग ने कालका सीट को अभी खाली बता दिया गया है। कानूनी सलाह में अटका प्रदीप चौधरी की सदस्यता बहाली का मुद्दा, कालका से निवर्तमान विधायक प्रदीप चौधरी की बहाली कानूनी राय के कारण अटक गई है, तब तक यह सीट खाली मानी जाएगी। हरियाणा विधानसभा सचिवालय की ओर से प्रदीप चौधरी के मामले में हिमाचल हाईकोर्ट द्वारा उनकी कन्विक्शन पर स्टे दिए जाने के फैसले पर एडवोकेट जनरल से कानूनी सलाह मांगी हुई है। जब तक वहां से कानूनी सलाह नहीं आती तब तक विधानसभा की ओर से आयोग को बहाली की सूचना नहीं दी जा सकती। जनवरी में प्रदीप चौधरी को निचली अदालत द्वारा एक मामले में 3 साल की सजा सुनाए जाने पर विधानसभा ने 30 जनवरी को उनकी सदस्यता खत्म करते हुए सीट को खाली मानते हुए चुनाव आयोग को सूचना दे दी थी, जिसके बाद से ही चुनाव आयोग भी इस सीट को खाली मान रहा है। एक दिन पहले चुनाव आयोग की ओर से जारी किए गए बयान में देश की 3 लोकसभा सीटों पर विभिन्न राज्यों की 8 सीटों के उपचुनाव को कोरोना संक्रमण की मौजूदा लहर के चलते अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है। जी हाँ, ये सीटें
भी स्थगित कर दी गई हैं अभी, और इसके साथ साथ जो पंचायत चुनाव होने हैं हरियाणा में वो भी स्थगित ही समझो, क्योंकि पहले से ही निर्देश दिए जा चुके हैं कि जो पंचायत चुनाव होने हैं वो उपचुनाव के बाद करवाए जाएंगे सरकार के द्वारा, और इसीलिए पंचायत चुनाव भी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गए हैं। उनमें प्रदेश की एलनाबाद सीट के साथ कालका सीट का भी उल्लेख किया गया है। प्रदेश में जिन सीटों को खाली बताया है उनमें कालका के साथ एलनाबाद की सीट भी है, और ये एलनाबाद की सीट क्यों खाली हुई, क्योंकि वहाँ के जो विधायक हैं अभय चौटाला जी, उन्होंने किसान आंदोलन के चलते, किसानों को सपोर्ट करते करने के चलते, किसानों की सपोर्ट में 27 जनवरी को इस्तीफा दे दिया था, और इस वजह से ये सीट खाली हो गई थी। ये थी पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई और विधानसभा और लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई नई बातें, नई अपडेट्स, नई खबर। और ऐसे ही खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और आप हमारी वीडियो को इतना पसंद करते हैं इसके लिए और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।